नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, अगर आप बिहार के किसान हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बिहार सरकार के एक ऐसे प्रयास के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए मछली पालकों को काफी फायदा होने वाला है। जी हाँ, बिहार सरकार ने राज्य के मछली पालकों को नए तालाब और हैचरी निर्माण पर 90% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। साथ ही मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में मछली का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस तरह से सरकार न केवल मछली पालन को प्रोत्साहित कर रही है बल्कि उसे बेचने की व्यवस्था को भी सुगम बना रही है। फिलहाल इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को ही मिलेगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दे दी है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मुताबिक इस योजना के तहत निजी जमीन पर बनाए गए तालाब पर भी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। वहीं पट्टे की जमीन पर 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली योजना में सब्सिडी का लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार की योजना के अनुसार सब्सिडी के पैसे एक साथ नहीं बल्कि कुछ चरणों में दिए जाएंगे। किसान मित्रों, इस योजना के तहत सरकार छोटे मछली उत्पादकों को सुरक्षित और सही समय पर मछलियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मोपेड गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान देगी। वहीं बड़े मछली पालकों को 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। मछली उत्पादकों को गाड़ियों की कीमत के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। योजना में फिलहाल मोपेड की खरीद पर 50,000, 3 पहिया वाहन के लिए 2,80,000 और 4 पहिया के लिए 4,80,000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।